दोस्तों, आज हमारा बिग बॉस से ज्यादा फोकस रहेगा इस लौकी पे, क्योंकि ये लौकी करण जौहर को सब्जी के रूप में बहुत ज्यादा पसंद है दोस्तों। तो ये लौकी पे हम फुल टारगेट करेंगे, क्योंकि बूट वालों ने फुल टारगेट किया हमारे करण जौहर को, क्योंकि सलमान खान तो अभी आए नहीं, 6 हफ्ता तो सिर्फ करण जौहर छिलाएंगे अभी। तो देखने लायक रहेगा दोस्तों ये सीजन कि कैसा अच्छा रहेगा कि पकाऊ रहेगा। देख के तो ऐसा अभी 6 हफ्ता तो फुल पकाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि सलमान खान तो आए नहीं है, 6 हफ्ते बाद आएंगे। बात करें कंटेस्टेंट के बारे में दोस्तों, तो अभी फिलहाल तो देख के तो अभी सब नए हैं, तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। हो सकता है धीरे धीरे आगे अच्छे लगे। अभी कंटेस्टेंट की बात करें तो एक बाथरूम में जो कपड़ा पहनते वो पहन के एयरपोर्ट में कहाँ विदेश चले गए थे एक आदमी, वो भी आया हुआ है। और बात करें एक हमारी शिल्पा शेट्टी की बहन भी आई हुई है, जो पहले भी आई थी फिर से आ गई है। अब देखने लायक रहेगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा। बात करें कंटेस्टेंट का, अभी तो फिलहाल पता नहीं चला, नए नए में हर कोई शुरू में अच्छा नहीं लगता दोस्तों। हो सकता है एक आध आपको आगे जाके अच्छा लगे शो में, लेकिन देख के तो लग रहा है एक जन आया है जो प्रतीक नाम का है, बहुत बकचोदी कर रहा है, मुँह से क्या क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा, हर किसी से पंगा कर रहा, शुरू में स्टेज में ही बकचोदी उसका चालू हो गया दोस्तों। तो फिलहाल तो देख के मजा नहीं आ रहा है कंटेस्टेंट लोग को, लेकिन हाँ हो सकता है कि आगे धीरे धीरे देख के अच्छा लगे दोस्तों। लेकिन सलमान खान नहीं है तो उसके कमी तो खल रही है, क्योंकि बिना सलमान खान के शो उनके होस्ट किए हुए मजा नहीं आ रहा है दोस्तों। क्योंकि हमारे जो करण जौहर है उनको अभी देख के तो मजा नहीं आ रहा, वो मजा किसी को आता भी नहीं करण जौहर को देख के। हाँ, लेकिन वूट वालों ने अभी, क्योंकि सलमान खान अभी होस्ट करेंगे तो वूट वाले उतना पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए सस्ते में अभी करण जौहर को खड़ा कर दिया गया है दोस्तों। तो आगे चल के आएंगे सलमान खान 6 हफ्ते बाद, हो सकता है टीवी में आए डायरेक्ट, तो देखने लायक रहेगा दोस्तों। सलमान खान आएंगे तो मजा ही आएगा, तो धीरे धीरे देख देख के अच्छा लगेगा। अभी फिलहाल 24 घंटा एकदम फैल रहा है, तो देखने लायक रहेगा दोस्तों। वैसे बिग बॉस शो तो सब पसंद करते ही हैं, मैं भी मुंह से ज़्यादा आज बोल रहा हूँ, क्योंकि ये शो देख के मेरे अभी दिमाग खराब हो गया करण जौहर को देख के, क्योंकि सलमान खान होस्ट करते तो मज़ा ही अलग है। तो ठीक है दोस्तों, मैं इस टाइप की वीडियो बनाते रहता हूँ दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगता है या बुरा लगता है, आप मुझे कमेंट्स में बताओ, जिससे मुझे और बूस्ट मिले, सीखने के लिए मिले दोस्तों। और मेरे चैनल अगर यूट्यूब वाले हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, फेसबुक वाले हो तो फॉलो कर दो दोस्तों। आपका फॉलो सब्सक्राइब होने से मेरे को भी बूस्ट मिलेगा, और एनर्जी से बोलूँगा दोस्तों, और अच्छे से कोशिश करूँगा बोलने की। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार जय।